हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी से चीज़ बॉल। चीज़ पुल देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चीज़ बॉल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड, मोज़रेला चीज़। मैंने यहाँ पे मिल्की मिस्ट का मोज़रेला चीज़ लिया है, आप अमूल या किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। अमूल की जो नॉर्मल चीज़ क्यूब्स आती है ना, उसी का मैंने ये ब्रिक लिया है। फिर हमें चाहिए होगा पानी, कॉर्नफ्लावर, दूध, मैदा एंड ऑयल। ऑयल में आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होंगे अनियन, फ्रेंच बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो पिज़्ज़ा मिक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। वेजिटेबल में आप जो चाहो ऐड या डिलीट कर सकते हो, तो ये विदाउट अनियन भी बन सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और अब हम बना लेंगे चीज़ का मसाला। चीज़ के मसाले के लिए मैंने दोनों टाइप की चीज़ को 50-50 के रेशियो में ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे एक बाउल में और इसके साथ अपनी जो सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रखी है वो भी ऐड कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि वेजिटेबल आपको बहुत फाइनली चॉप करनी है ताकि वो कच्ची ना रह जाए वाइल फ्राइंग इट। जब तक ये मसाला तैयार हो रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से ऐड करना। फिर सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, चीज़ में ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है तो आप उसका ध्यान रखना। फिर हाफ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक पेपर ऑलरेडी ऐड किया था। अब हम ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून ओरिगैनो पिज़्ज़ा मिक्स। आपके पास अगर नॉर्मल ओरिगैनो या फिर डोमिनोज वाला ओरिगैनो है तो आप वो भी मिक्स कर सकते हो, या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका अच्छे से पेस्ट या फिर मिक्सचर बना लेना है हमको। अब दूसरे स्टेप में हम ले लेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, सेम क्वांटिटी में मैदा एंड वाटर। वाटर से हम इसका एकदम थिन सा एक बैटर बना लेंगे, एकदम लिक्विड ही पूरा बैटर। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी और ब्लैक पेपर और ओरिगैनो पिज़्ज़ा मिक्स ऐड किया है फॉर टेस्ट, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर लो। सॉल्ट ऐड कर लेना बट पिज़्ज़ा मिक्स एंड ब्लैक पेपर ऑप्शनल है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना रहे, लम्ब्स रहने से फिर ये पूरा अच्छा नहीं लगेगा, बेकार हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप में हम ले लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दूध लिया है और फिर हम उसमें वाटर मिला देंगे 1 कप। इसका भी एकदम एकदम लिक्विड ही क्या, एकदम वाटरी ही एक बैटर घोल आप बोल लीजिए, वो हम बना लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल स्टेप पे जिसमें हम चीज़ बॉल बनाएंगे। तो चीज़ बॉल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड की जो साइड्स है वो कट कर ली है। फिर मैंने ब्रेड को ये जो वाटर एंड मिल्क वाला हम लोगों ने बनाया था ना घोल, उसमें थोड़ा सा डिप किया है और फिर पूरा वाटर और मिल्क वाला घोल को अच्छे से निचोड़ के इससे निकाल दिया है। आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है। अब इसमें हम चीज़ का जो मसाला था वो ऐड करेंगे थोड़ा सा, और जितना आप उसमें एडजस्ट कर पाओ। और मैंने यहाँ पे ना मोज़रेला चीज़ की छोटी छोटी क्यूब्स कट कर ली थी, उसको भी ऐड करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके, जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में उस तरह से फोल्ड करके, आपको इस तरह का कुछ शेप बना लेना है। इसको अच्छे से प्रेस कर करके आपको ये शेप देना है। अगर इसमें वाटर या फिर ये ज़्यादा रह गया तो ये ऑयल में फट जाएगा और फिर पूरा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा एंड आपके चीज़ बॉल भी सही नहीं बनेंगे। और ये स्टेप हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से फोल्ड भी हो जाए एंड वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे, सो इसलिए हम ये स्टेप करते हैं। अब मैंने सारे चीज़ बॉल सेम वे में रेडी कर लिए हैं। अब फाइनल स्टेप में हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के पहले हमको इसको डिप करना है अपने कॉर्नफ्लावर और मैदे वाले बैटर में, उससे भी ऑयल बहुत कम एब्जॉर्ब करता है ये। जब ये डीप फ्राई पूरे ब्राउन हो जाए तब आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है। अब चलते हैं इसके चीज़ पुल और डेकोरेशन की तरफ। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज और सॉस को मिक्स करके इसके ऊपर थोड़ा सजा दिया है। इसके ऊपर एज यू कैन सी मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। अब चलिए फाइनल स्टेप इज द चीज़ पुल। जस्ट लुक एट इट गाइस, मन कर गया ना वो खाने का। तो ज़रूर से ये बनाइएगा, बहुत 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 टेस्टी लगता है। अपने पसंद की वेजिटेबल्स से बनाइएगा ताकि आपको और भी यम्मी लगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।